कुछ कुछ ले करके उनका स्वागत कर रहे हैं। शादी डोरा इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज पैरा मेडिकल सर्विसेज की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को संस्था द्वारा स्मृति चिन्ह भेज किया जा रहा है। इसके पश्चात श्री वत्सल बोरा जी माननीय मुख्य अतिथि महोदय का भैया भैया आगे बताइए। बड़ा जोरदार कर्ता ध्वनि के साथ में इन मेधावी छात्र छात्राओं का अभिनंदन करने का काम करना चाहिए। गलती से प्रधानाचार्य का उनका स्वागत करेंगे। हर बिना आज के इस मेधावी छात्र अभिनंदन समारोह में मंच पर आसीन एक ओजस्वी वक्ता, कर्मठ कार्यकर्ता और परिश्रमी नेता आपके विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, निदेशक बोरा इंस्टीट्यूट श्रीमती बिंदु बोरा जी, प्रधानाचार्य श्रीमती शीला जी, श्री मुकेश शर्मा जी, उपस्थित प्रबंधक प्रधानाचार्यगण, क्षेत्रीय पार्षदगण, मंडल अध्यक्षगण और कुशल संचालक श्री शैलेश शर्मा अटक जी तथा उपस्थित मेधावी छात्र छात्राओं, सबसे पहले तो मैं आप सबसे विलंब से आने की क्षमा मांगूंगा, इसके लिए माफ करेंगे। आशा है उसको आप सब लोग, क्योंकि हमारे विभाग की बॉस है कुलाधिपति महामहिम राज्यपाल महोदय और अचानक उनसे वार्तालाप हो रहा था, उन्हें बुला दिया, मुझे जाना पड़ा और जाना चाहिए भी, क्योंकि हमारे जहां डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी अधिकारी वही कुशल नेतृत्व की और शिक्षा को नई दिशा देने की क्षमता रखने वाली अद्भुत विलक्षण प्रतिभा की धनी हमारी महामहिम तो वहां गए थे, इसलिए विलंब हुआ, वरना नीरज जी का आदेश हमारे लिए सर्वात्म पर होता है, मैं तुरंत हाजिर होता, समय से हाजिर होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यू ही बेवफा नहीं होता, ये मजबूरी थी मेरी, इसलिए विलंब से आया, मैं आपसे माफी मांगता हूं। मित्रों, अभी 99.6 के
नंबर बताए थे, किसी के 96, मुझे अपने से भी याद आ गए। इतने नंबरों की कल्पना तो हम कर ही नहीं सकते थे उस दिनों। हमारे हाई स्कूल में 63% थे बोराजी, अब 96 से तो 99 को भी ध्यान रखना होगा जिसने हमें कभी विश्व गुरु का स्थान दिया था। या बहुत अगर मैं पूछूं तो शायद चंद लोग बता पाएंगे या पाला कौन थे, गार्गी कौन थी, अरुंधति कौन थी, दधीश का क्या भाव, अपना इतिहास है भूल गए हम सब लोग, तो कुछ पढ़ाया नहीं गया, अलग कर दिया गया इसको शिक्षा से। मैं आगरा से आया हूं, जैसा उन्होंने बताया धीरे आगरा में शिवाजी महाराज का भी इतिहास है। शिवाजी महाराज अपने किस शौर्य साहस से ये कार्य योजना बनाने की, किस विलक्षण प्रतिभा से कार्य योजना बनाना ही नहीं उसको कार्यान्वयन कर ले जाने की अद्भुत क्षमता से एक बूंद भी खून बहे बिना। उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत औरंगजेब के चुंगल से उसकी जेल से निकलकर चले गए, ये एक इतिहास का पन्ना है, लेकिन उसका कोई स्मारक आगरा में नहीं है। ये दिया है हमारी अतीत ने हमको, औरंगजेब दिया है हमको, उसका स्मारक दिया है आगरा में, अकबर का स्मारक दिया है, शाहजहां का स्मारक दिया है, इन सबको तो याद किया, लेकिन शिवाजी महाराज का कोई स्मारक नहीं देते, शौर्य का इतिहास है हमारे। आज हम बना रहे हैं उसको, उसकी पहल कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो हुक्मरान वो थे जिन्हें यहां की संस्कृति के, यहां के गौरव पुरुषों से कोई लगाव नहीं था। मैं किसी को चोट नहीं कर रहा हूं कि वो महान क्यों कहा जा रहा है, लेकिन मेरा शिवाजी भी महान है, मेरा राणा भी महान है, ये क्यों नहीं बताया गया? अपने धर्म और देश की रक्षा के लिए जो जंगल में रोटियां घास की रोटी खा सकता था वह महान नहीं था इन लोगों की निगाह में, वह महान था जो मीना बाजार में आता था हमारे खेत। तो यह इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा है, इसको बदलना चाहिए था लेकिन बदला नहीं जा रहा था। आज मोदी जी उसको बदल रहे हैं, नई शिक्षा नीति उसको बदल रहे हैं। तो हमको सीखना होगा अपने अतीत से, अपने इतिहास से, अपने गौरवशाली घटनाओं से, अपने कालजयी पुरुषों से। राष्ट्रपति ये है कि जो मैं रिपीट कर रहा हूं अपने गुरु के सेंटेंस को, जो जिम्मेदारी समाज ने हमको दी है या समाज से हमने ली है उसका ईमानदारी से पालन करें, यही सच्ची राष्ट्रपति। आप लोग अपने अपने किस क्षेत्र में जाएंगे वहां पर कुछ मुकाम हासिल करेंगे, लेकिन मुकाम के साथ साथ समाज और राष्ट्र भी याद रहे, यह भी याद होगा। और हमारी संस्कृति तो सीख की है, हम तो वो संस्कृति के वाहक है, उस संस्कृति के अंग है जो कि जड़ चेतन सबसे सीखते हैं। सरोवर फल रही खात है, नदी न पीवे नील, पर मारस के कारण साधु भरा शरीर। हमने तो पेड़ पौधों से, नदी नालों से सीखा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं फल्ला गया दूर। हमने वहां से जो सीख आया अपने जीवन में, संस्कार लिए हैं वहां से। हम संस्कृति के वाहक नहीं है जो दरवाजे बंद कर देते हैं एक किताब खोल के, एक किताब के अलावा यही हमारी किताब है, इसके अलावा कुछ सोच नहीं है।
हमारे दरवाजे हमेशा, हमारी संस्कृति इतनी महान है कि हमेशा खुले हैं दरवाजे, हर रोज तक खुला है कि आने दीजिए, ज्ञान की किरण जहां से भी आती है, ज्ञान ज्ञान जहां से भी आता है हम उसको एडॉप्ट करेंगे, उसको सीखेंगे। कोई एक किताब के मोहताज नहीं कि बंद करके बैठ गए वो जो किताब जो कहती है वही सही है। इसलिए मित्रों जब इतनी बड़ी संस्कृति के वाहक है तो उतने ही बड़े उत्पाद उद्देश्य में चलना चाहिए। आप सब अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े, अपने परिवार का, अपना, अपने देश का, अपने विद्यालय का नाम रोशन करें, यही आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। सभागार में जो विद्यालयों से